और ये बड़ी खबर आपको बता रही है, आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि आज हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और खबरें अभी तक की खबर पर ये मुहर लगी है, आज ही हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आज कैबिनेट का विस्तार होगा हरियाणा में। आपको बता दें, 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। खबरें अभी तक ने आपको इस बात की जानकारी दी थी और खबरें अभी तक की खबर पर ये मुहर लगी है, आज ही हरियाणा सरकार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। खबरें अभी तक की खबर पर लगी मुहर, आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। और ये देखिए, आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार और ये टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लगी है। हमने आपको बताया था, इस बात की जानकारी दी थी कि आज ही हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और आज ही ये विस्तार होने वाला है। आपको बताया कि 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, करीब 6 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। हरियाणा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। खबरें अभी तक ने आपको इस बात की जानकारी दी थी, आज शाम 4:30 पर कैबिनेट का विस्तार होगा, करीब 6 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नायब सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लगी है, आज ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है हरियाणा में, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए खबरें अभी तक ने बता दिया था सुबह ही कि आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा। खबरें अभी तक सबसे पहले जो निमंत्रण पत्र है कैबिनेट विस्तार के लिए, जो निमंत्रण पत्र दिया गया, सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव जो निमंत्रण पत्र है वो खबरें अभी तक के पास है। हम हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जो निमंत्रण पत्र दिया गया है हरियाणा राज्यपाल द्वारा राजभवन में आयोजित मंत्रीगण के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर न्योता दिया गया है। इसमें समय भी दिया गया कि 4:30 जो 4:30 आज हरियाणा में जो मंत्री गण का जो विस्तार होगा, कैबिनेट का जो विस्तार होगा, इसका जो है निमंत्रण पत्र वो भी जारी कर दिया गया है। यानी जो हमने सबसे पहले बताया था और सबसे पहले हम जो उसकी जो निमंत्रण पत्र की जो सुपर एक्सक्लूसिव जो निमंत्रण पत्र है वो हम दिखा भी रहे हैं, जो आज हरियाणा कैबिनेट का जो विस्तार है 4:30 होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम में भी बदलाव हो चुका है। पहले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गरौंडा से सीधा रोहतक जाने का था, लेकिन अब जो रोहतक का कार्यक्रम था वो अब स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सीधा गरौंडा से वापस चंडीगढ़ आएंगे और चंडीगढ़ में जो है हरियाणा कैबिनेट का जो नायब कैबिनेट है, नायब कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। मानकर चलिए कि करीब 6 मंत्री होते लेंगे। और जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज शायद मंत्री की वोट न ले, शायद अनिल विज मंत्री न बने, क्योंकि जो उनकी नाराजगी है वो थोड़ी बरकरार बताई जा रही है। तो ऐसे में अनिल विज मंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि अगर अनिल विज नाराज नहीं होते तो उनका एक बड़ा मंत्री बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि अनिल विज का अपने आप में एक बड़ा कद है। अब बाकी चारों की अगर बात करें, अगर अनिल विज मंत्री पद की शपथ नहीं लेते फिर देखना होगा कि पंजाबी समाज से कौन मंत्री बनेगा। सुभाष सुधा के नाम को लेकर भी चर्चा है, जीन विधायक कमल मेडा के नाम को लेकर भी चर्चा है, या फिर हांसी से विनोद ध्याना। देखना ही होगा कि जातिगत और क्षेत्र का समीकरण किसके लिए ठीक बैठता है। एक महिला मंत्री बनना क्या है, सीमा त्रिखा का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है, सीमा त्रिखा मंत्री पद की वोट ले सकती है। इसके अलावा बाकी बात करें यादव समाज की, जब बात करें ओपी यादव वहां पर मंत्री हो सकता है, क्योंकि ओपी यादव के लिए रावण रणजीत सिंह लगातार पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा यादव वर्ग से हम बात करें डॉक्टर अभय यादव या लक्ष्मण यादव, वो भी अपनी लोबिंग में लगे हुए हैं। वहीं निर्दलीयों में देखना होगा कि किसे मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि पहले फैसला था कि किसी भी निर्दलीय को मंत्री न बनाया जाए, लेकिन अब थोड़ा उस फैसले में बदलाव हो सकता है। निर्दलियों की भी यहाँ पर लॉटरी लग सकती है, एक मंत्री गुरुग्राम जिले से बनेगा। बिल्कुल, चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लाइव जुड़ेंगे। और अब हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल भी जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे। राजा, खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लगी है, जहां पर आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है हरियाणा में, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से खबर अभी तक की खबर पर एक बड़ी मोहर लगी है, क्योंकि अब जो ऑफिशियल निमंत्रण है वो अब आ गया है। ऐसे में आज शाम को 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम जो मंत्री हैं, जिस तरीके से बात करें उनके पोर्टफोलियो की बात करें तो उनका भी आज बंटवारा होता हुआ शाम तक नजर आएगा। वहीं जो नए विधायक हैं वो मंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेंगे। जो जानकारी है, 6 से 7
छह से सात जो मंत्री हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों की बात करें तो रणदीप गोलन का नाम भी चल रहा है, वहीं जो पिछला से निर्दलीय विधायक है नैनपाल रावत उनका नाम चल रहा है। तो जातिगत समीकरण को, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जानकारी दे रहे थे, जातिगत समीकरण को साधने की यहाँ पर बीजेपी कोशिश करेगी और जिले वाइज हिसाब से यहाँ पर जो मंत्री है वो बनाए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अनिल, क्योंकि देखिए आज का दिन हरियाणा सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जातिगत समीकरणों के आधार पर बात करें तो क्या कुछ देखा जा सकता है? देखिए दीपिका, इस वक्त हम मुख्यमंत्री नायब सैनी के काफिले में हैं, मुख्यमंत्री का जगह जगह पर स्वागत हो रहा है, इसलिए हम भी चलती गाड़ी से लाइव दे रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर है, पूरे प्रदेश को पता होना चाहिए कि कौन कौन मंत्री बनेगा, इसलिए हम भी चलती गाड़ी से जो पल पल की अपडेट है वो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी शाहबाद पहुँच चुके थे, अब से कुछ ही पल में पीपली पहुँचेंगे, वहाँ पर जाएंगे, जो एक जनसभा होनी है करनाल के घरोंडा में, घरोंडा से फिर सीधा चंडीगढ़ आएंगे, चंडीगढ़ में 4:30 बजे ओथ होनी है, जो एक्सक्लूसिव निमंत्रण पत्र है खबरें अब तक ने दिखाया। अब बात करते हैं कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी अम्बाला जाएंगे तो क्या पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के घर पर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में ये संभावना मानकर चली जा रही है कि अनिल विज शायद मंत्री पद की ओथ न लें, शायद अनिल विज मंत्री न बने। हालांकि अनिल विज को मंत्री बनना न बनना वो अनिल विज का खुद का फैसला रहेगा, लेकिन अनिल विज बड़े नेता है पार्टी के, अगर वो मंत्री नहीं बनते वो उनका खुद का फैसला रहेगा। अब देखना कि किन किन की लॉटरी लगेगी। महिला कोटे की अगर बात करें, मनोहर कैबिनेट में महिला कोटे से कमलेश डांडा मंत्री थी, लेकिन इस बार सीमा त्रिखा की लॉटरी लग सकती है, सीमा त्रिखा का नाम महिला कोटे से बताया जा रहा है। वहीं पंजाबी वर्ग से सुभाष सुधा अपनी लॉबिंग में लगे हुए थे, 3 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मुलाकात भी की थी, तो वो भी एक मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन जींद जिला या हिसार को प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि हिसार जिले से हांसी विधानसभा सीट से विनोद भ्याना विधायक है, वहीं जींद से कृष्ण मिड्डा विधायक है, तो ऐसे में अगर उन इलाकों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो उनमें से एक की लॉटरी वहां पर लग सकती है। इसके अलावा अगर बात करें गुरुग्राम जिले से संजय सिंह के नाम की चर्चाएं बड़ी गंभीरता से चल रही है कि संजय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, वहीं अग्रवाल समाज से भी एक मंत्री बनेगा। अग्रवाल समाज को लेकर ऐसे में जो डॉक्टर कमल गुप्ता है, जो मनोहर कैबिनेट में मंत्री होते थे, उनका भी अपना दावा है, क्या कमल गुप्ता को रिपीट किया जाएगा? अगर कमल गुप्ता को रिपीट किया जाता है तब विनोद भ्याना या भव्य बिश्नोई का जो दावा है वहाँ पर अपने आप कम हो जाता है। वहीं अगर रिपीट नहीं किया जाता डॉक्टर कमल गुप्ता को, तब असीम गोयल की भी संभावना बन जाती है। असीम गोयल अम्बाला सिटी से विधायक है, या फिर जो गुरुग्राम से बीजेपी के विधायक है गुरुग्राम से सिंगला, उनका भी नंबर पड़ सकता है। यानी जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, क्षेत्र के समीकरण से देखे जाएंगे। इसके अलावा एक मंत्री यादव वर्ग से बनना तय है, क्योंकि अहीर जो बेल्ट है, जो यादव बेल्ट है, वहाँ पर जो बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व है, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का अच्छा होल्ड है, तो ऐसे में उस बेल्ट के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक मंत्री बनना तो बिल्कुल तय है। अगर राविंद्रजीत सिंह की चली, अगर क्योंकि राविंद्रजीत सिंह के कोटे से ओपी यादव मनोहर कैबिनेट में मंत्री बने थे, तो ओपी यादव का दावा वहाँ पर मजबूत बनता है। हालाँकि डॉक्टर अभय यादव जो लगातार 2 बार से विधायक है, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो उनका भी एक अपना दावा बनता है, लेकिन देखना होगा कि यादव समुदाय से कौन मंत्री बनेगा। तो इस तरीके के जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, वो साधे जा रहे हैं। पहले फैसला हुआ था कि निर्दलियों को मंत्री न बनाया जाए, लेकिन अब थोड़ा फैसले में बदलाव हो सकता है, निर्दलियों की लॉटरी यहाँ पर लग सकती है। कई निर्दलीय लाइन में लगे हुए, देखना है कि रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान, गोपाल कांडा या रावत, नैनपाल रावत, इन 4 में से किसे मंत्री बनाया जाए, किसकी लॉटरी लगे। हालांकि नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर भी रेस में बने हुए हैं, अब देखना है कि इन 5 निर्दलियों में से चलिए बिल्कुल मंत्री बनाया जा सकता है। अनिल, इस खबर पर आप नजर बनाई रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।